नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हर बार इंदौर शहर के ऐसी शख्सियत को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो इस शहर की चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ है, और कहीं ना कहीं इंदौर शहर को जो कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैला था उसे निजात दिलाने में काफी एक बड़ा योगदान इन लोगों का रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनोद भंडारी, जो कि भंडारी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और लगातार पिछले साल से वे लगातार काम कर रहे हैं और इंदौर शहर के लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर उनके घरों तक पहुँचा है। ये एक बहुत बड़ा इस शहर के लिए योगदान भी है। ऑक्सीजन की किल्लत हो, चाहे रेमडेसिविर की किल्लत हो, चाहे दूसरी परेशानी हो, उनसे जूझते हुए मरीजों को एक राहत प्रदान करना और उन्हें स्वस्थ कर उनके घरों तक, उनके परिवारों तक पहुंचाना, ये कार्य अरविंदो हॉस्पिटल ने किया है। शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहां कोविड का सबसे ज़्यादा इलाज किया, शायद मुझे लगता है कि प्रदेश के सबसे ज़्यादा मरीजों को यहाँ स्वस्थ होकर भेजा गया है। लगभग 12,000 मरीजों को स्वस्थ करने के साथ ही कुल 1400 बेड यहाँ पर अरविंदो हॉस्पिटल में है जहाँ कोविड का इलाज किया जा रहा है। लगभग अभी 500 मरीज फिलहाल मौजूद होंगे। मैं विनोद भंडारी साहब का स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मृदुभाषी समूह के एडिटर ऑफ चीफ जितेंद्र कोठारी जी, वे भी विनोद भंडारी साहब से प्रश्नोत्तर करेंगे। भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरुआत हम कम करना चाहेंगे कि इंदौर में कोविड जो एक पीक पर हमें नज़र आ रहा था, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो चाहे ऑक्सीजन की समस्या थी, एडमिशन को लेकर दिक्कतें थी, रेमडेसिविर जैसी दवाओं की बहुत कमी थी, ऐसी स्थितियों में कितनी समस्याएँ आपके सामने आई, लेकिन बावजूद इसके आपने लोगों को बेहतर इलाज दिया। किस तरह की समस्याओं से जूझते हुए आपने आगे इलाज किया? देखिए, पहला प्रॉब्लम तो आया था सबसे पहले रेमडेसिविर का, ठीक है, क्योंकि हमने अप्रैल 2020 में ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन डायरेक्ट अमेरिका की जो हिट्रो कंपनी है उसके वाइस प्रेसिडेंट से कॉन्टेक्ट करके, जो मेरे कोई रिलेशन थे अपने इंदौर के कोई डॉक्टर अमेरिका में बेस्ड हैं, उन लोगों ने मेरे को बहुत मदद की उस समय, क्योंकि उनके किसी के इलाज में था वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने डायरेक्ट कंपनी से बात कर कर और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा इसमें, करीब 4,800 का इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ अरविंदो मेडिकल कॉलेज और भंडारी समूह के अस्पताल के लिए होने लगा था। तो रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कमी अरविंदो में तो नहीं आई, बट जो बाहर आई है उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों ने इसको काउंटर पे बेचना शुरू कर दिया, दवा बाजार में हर दुकान पे बेचना शुरू कर दिया, और लोगों ने डर के अपने घर पे कलेक्ट करके रखना शुरू कर दिए थे, और कई तरह के विचित्र विचित्र कंडीशंस में जो गलत तरह की दवाइयाँ बना बना कर बेचना शुरू कर दिए थे, उसके कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। बट अब ये परेशानी दूर हो चुकी है, और इस समय ये जो वेव आई थी, जो अपन कहें कि मार्च अप्रैल और मई में थी, वो अब धीरे 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 कम होती जा रही है, और उस समय पिछले उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वेव ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर साहब, जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना काल की शुरुआत हुई फरवरी में लास्ट ईयर, उस समय ना दवाइयाँ थीं, ना कोई प्रमाणिक इसका इलाज था, मरीज भी काफ़ी संख्या में आ रहे थे, और जैसा कि मुझे जानकारी है अरविंदो में सबसे बेहतर इलाज वहाँ सुविधाएँ और उपचार वहाँ पे उन पेशेंट को मिला, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या किस नहीं देखिए तो जब सबसे पहला पेशेंट अरविंदो मेडिकल कॉलेज में आया था 21 मार्च को, उसी दिन पूरा अस्पताल डेडिकेट कर दिया था कोविड को, क्योंकि मैं पिछले 3-1 महीने से इसको फॉलो कर रहा था कोविड को, दूसरे अमेरिका में, यूके में, जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर, तो मुझे ये आशंका तो थी कि इंडिया में ये बहुत फैलेगा,
और इंदौर चूंकि एक ऐसी नगरी है जहाँ पर कि पूरे इंडिया के पेशेंट लोग पेशेंट भी क्या पब्लिक आती रहती है बिकॉज ऑफ बिजनेस एटीट्यूड यहाँ का बहुत डिफरेंट है, तो पूरी इसको मिनी मुंबई बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि ये पहले से फैलेगा, तो मैंने पूरा अस्पताल डेडिकेट कर दिया था। फिर उसके बाद 21 मार्च से हम 9 अप्रैल तक हम लोगों ने जितने भी पेशेंट भर्ती हुए उनकी मल्टी कंसल्टेशन करी। मल्टी कंसल्टेशन से मतलब ये है कि पल्मोनलाइज भी ट्रीट कर रहा था, एनेस्थेटिक भी ट्रीट कर रहा था, और बाहर हमारे जो भी कॉन्टेक्ट थे दिल्ली में, बम्बई में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उन सब से कंसल्ट करते रहते थे। सो देट एक कुछ एक प्रोटोकॉल फॉर्मेशन हो चुका था। तो हम 5 अप्रैल के बाद में इसका ट्रीटमेंट करने का एक प्लानिंग समझ में आ गई थी, जो 15 जून तक हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 15 जून 2020 तक परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट। तो उसको देखते हुए उसके कारण ये हम अच्छे रिजल्ट दे पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, उस समय रेमडेसिविर टाइप का कोई इंजेक्शन इसके उपयोग में उपचार में काम आएगा इस टाइप का, मेरे ख्याल में किसी को पता नहीं था। आपके यहाँ उपयोग हो रहा था उस समय इसका या नहीं हो रहा? हाँ, सबसे पहले 9 अप्रैल को ही यूज कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सेकंड जी हाँ बोलिए बोलिए, जो दूसरा दौर आया है ये काफी खतरनाक है और यंग जनरेशन के ऊपर इसने ज्यादा प्रभाव छोड़ा है, काफी मोर्टिलिटी रही, तो इसके पीछे कारण क्या रहा और ये पहला दौर और दूसरे दौर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा? देखिए, सबसे पहला फर्क तो ये था कि जीन म्यूटेट होगी, इसको असेसमेंट करने में हम भारतवर्ष में चूंकि रिसर्च बहुत कम होती है इसलिए हम पीछे रहे। अगर हम इसको पहले ही, मुझे अच्छी तरह याद है मेरा जो साइंटिस्ट है जिस दिन एनएबीएल की लैब हमारी रिकॉग्नाइज थी उसी दिन उसने बोल दिया था कि सर ये 2 जीन पे काम कर रहे हैं, ये म्यूटेट होगी। तो अगर इसको हमने पिकअप करने में थोड़ा डिले हो गया हमारा, एक सेकंड, ये जो जीन म्यूटेट हुई इसने यंग लोगों को खूब घेरा। मेरे पास आज कल ही मैंने डेटा कलेक्ट करा, मेरे यहाँ से करीब करीब मैंने 100 पेशेंट में ये स्टडी करी है कि जितने पेशेंट वैक्सीन में फर्स्ट वैक्सीन का डोज लगा के सेकंड नहीं लगाए या वैक्सीन नहीं लगाए, उन पेशेंट को लंग में सीटी स्कैन में जो 60% से लेके तो 92% तक लंग का इन्वॉल्वमेंट देखा गया और उसमें से कई को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। लकीली हमने एक प्रोटोकॉल में 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के बाद से डाल दिया था कि हम जो भी 60% से ऊपर पेशेंट आएगा उसका हम, और जो 20% से नीचे होगा उसका 2 बार सीटी स्कैन कराएंगे और इमीडिएट पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी करा देंगे। तो उससे कई पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म अर्ली डिटेक्ट किया, तो फिर से मॉर्टिलिटी जो हुई है वो सब पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई है या ये क्लॉटिंग फिनोमेना जो होता है उससे हुई है। म्यूकर माइकोसिस के केसेस काफी लगातार बढ़ रहे हैं सर, लगभग इंदौर शहर में देखा जाए तो 350 मरीज हो चुके हैं, अरविंदो हॉस्पिटल में भी 32 मरीज एडमिट है। क्या ये कोविड की दवाइयों का साइड इफेक्ट है या फिर कुछ दूसरी चीजें हैं? नहीं, ये तो 4 चीजों के कारण है। पहला कारण तो ये फंगस जो ग्रो होने के लिए जो जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो जो उसको कल्चर का मीडिया चाहिए, वो सब हमने खूब दवाइयाँ खिलाई लोगों को, खूब कार्टिसोन खिलाया, हर गली में, हर क्लिनिक पे, हर इंदौर शहर में रजिस्टर्ड अस्पताल 256 थे, आज 500 लोग इलाज कर रहे हैं अपने अपने घर में, 4-4 बेड लगा के, और खूब तबियत से जिसको बोलते हैं ना हिंदू अपनी इंदौरी भाषा में कार्टिसोन दिया गया, घर जाने के बाद भी कार्टिसोन दिया। कार्टिसोन ऐसी दवाई है कि जिसको देने से मरीज को वेलबींग तो हो ही जाता है भले तो कुछ हो गया, और उसके कारण जिसको डायबिटीज थी या जिसका फेरिटिन लेवल ज़्यादा था तो ना कराया किसी ने फेरिटिन लेवल, ना मालूम करा, तो वो पेशेंट और पेरिफ्री में जितने गांव-गांव में पेशेंट थे वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और इस बीमारी में अभी क्या हो रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द ट्रीटमेंट, बाकी सब एम्फोटेरेसिन बी लगा लो या कुछ भी कर लो वो सब फेल है, उससे बहुत रिजल्ट नहीं अच्छे मिलेंगे। अगर एक बार ब्रेन में पहुंच गया तो मॉर्टिलिटी होना ही है, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस पे अभी जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकें अगले 3-4 महीने तो इस बीमारी को अपन जल्दी से जीत पाए।
बनारी साहब, सेकंड लेयर में बच्चों पे काफी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं और काफी एडमिट भी हैं। अभी भंडारी हॉस्पिटल की बात की जाए या शहर के दूसरे हॉस्पिटल की बात की जाए, बिल्कुल तो क्या ये बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, कितना खतरनाक है सर? देखिए पिछले अभी तक 700 हेलो जी सर, आ रही है, हेलो जी आ रही है, डॉक्टर साहब आ रही है भाई। 780 पेशेंट, हाँ 780 पेशेंट एडमिट हुए हैं, पर पिछले 3 महीने में करीब 46 पेशेंट ऐसे थे जिनको मल्टी इन्फ्लेमेटरी पोस्ट कोविड सिंड्रोम का नाम की एक बीमारी, जिसमें कि मल्टीपल सिम्टम साइंस मिले हैं मरीजों में, जो कि नॉन कोविड होते हुए भी उनको ये बीमारी पाई गई है। उनके लंग में खराबी है, उनको हेडेक और हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उनको रेशेस हो रहे हैं, उनके हार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको मायोकार्डियम में मायोकार्डाइटिस हो रही है। तो इसको देखते हुए अभी हमारा एक और टारगेट होना चाहिए, एक फंगस, दूसरा ये बच्चों को हमको जितना जल्दी हो सके, मैं आपके माध्यम से ये सबको कवर करना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स के बच्चे को कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम दिखे, लाइक उसको हेडेक हो रहा है, उसको बॉडी एक हो रहा है, कुछ छोटे बच्चे कुछ नहीं बता सकते, तो उनका बिहेवियर नॉर्मली, जैसे बच्चा सुबह उठता है और खेलते हुए आपके कमरे में आ जाता है, अगर वो उठ के नहीं आया, उसका मन नहीं लग रहा है, खा नहीं रहा है, उल्टी कर रहा है, या फिर कुछ हल्का सा फीवर भी आया है, तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, उसकी दवाई का इलाज हो जाएगा और इलाज संभव। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों में अर्ली सिम्टम्स जब भी जैसे दिखते हैं और भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो ये पब्लिक के लिए बड़ी काम की चीज है और ये मैं समझता हूँ सबको ये संदेश के रूप में जो है आपका जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने मुंबई में डॉक्टर शिल्पा कोठारी के इंटरव्यू किया था, जो कि हीरानंदानी में पीडियाट्रिक सर्जन है, तो उन्होंने ये बताया कि जो बच्चों में जो आपने अभी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम वाली जो बीमारी बताई, ये उन बच्चों में ज्यादा आ रही है या उन्हीं बच्चों में केवल आ रही है जिनको पहले कोविड हो चुका है? यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सही बात है, इस टाइप की यहाँ पूरा ये बिल्कुल सही बात है कि उनको कोविड हुआ और वो कोविड नेगेटिव भी हो गए, बट उनको ज्यादा तकलीफ दे रही है। तो क्या अपन इसको थर्ड वेव के रूप में देख सकते हैं डॉक्टर साहब, की थर्ड वेव का जो बच्चों के ऊपर बताया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, 100% थर्ड वेव चालू हो चुकी है। आप आज का डेटा देखेंगे बाहर का, अलग कंट्रियों का, हमको अगले 20 दिन के लिए सिर्फ एक ही चीज की प्रिपरेशन करना है, थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करना है, और बच्चों के लिए जितने मैक्सिमम वार्ड तैयार कर सको, जितनी मैक्सिमम चीजें तैयार कर सको, कैसे अर्ली डायग्नोस करना वो तैयार कर सको। मैं अभी सुबह 5:30 बजे से अभी तक मैंने पूरी प्लानिंग यही करी है कि घर घर जाके भी इलाज करना पड़े तो करना पड़े, कोई नुकसान नहीं। सबसे बड़ी अस्पताल में क्या तैयारी है, हॉस्पिटल में क्या तैयारी है डॉक्टर साहब इस टाइम? अरविंदो में कुछ खास इंतजाम? हाँ, 100 बेड बना लिए हैं अलग से जी, और करीब करीब 50 बेड की आईसीयू तैयार कर ली है, 12 वेंटिलेटर न्यूनेट के, मतलब जो 1 साल से नीचे बच्चे हैं उनके लिए तैयार कर दिए हैं, और करीब 15 वेंटिलेटर बड़े बच्चों के लिए तैयार कर दिए हैं। अच्छा, और इसकी जो दवाइयाँ कुछ अलग है या जो रूटीन में दवाइयाँ? नहीं नहीं, रूटीन दवाई से ठीक हो जाएंगे, एंटीबायोटिक की सबसे बड़ी जरूरत है उसमें, और सबसे एक बड़ा जरूरत है अर्ली डायग्नोसिस और हार्ट में ना पहुंच पाए इसको। इसी से जुड़ी तक जितनी भी बीमारियां मार्केट में लोगों में मरीजों में आई है, उनमें अधिकांश में ये देखा गया कि बीमारी बाद में आती है, दवाएं पहले गोल हो जाती है, जैसे ब्लैक फंगस की गोल हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन गोल हुआ, यहाँ तक कि बेबी फ्लू जैसी टेबलेट भी मार्केट में बीच में कुछ दिनों तक नहीं मिली थी। तो इस टाइप की कोरोना एड हो जाता है, दवाई गायब हो जाती है। तो इसका कुछ विशेष आपने सोचा है क्या कि पहले से ही अपन दवाइयों को स्टॉक करके रखें या इस तरह की परेशानी आती है उसके लिए अपन क्या? मुझे नहीं लगता है कि अभी, नहीं इस बारे में तो नहीं सोचा है, बट आपने आज ये सोल्यूशन दिया है तो मैं आज ही मीटिंग करूंगा और डॉक्टर से, सबसे पीडियाट्रिक्स वालों से, मेरे यहाँ बड़ा डिपार्टमेंट है, 20 लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट 200 को बुलाता हूँ, और अगर ऐसी कोई भी जरूरत होगी तो मैं उसकी व्यवस्था पहले करने की कोशिश करता हूँ जी, और हो जाएगी। दूसरा डॉक्टर साहब की बात नहीं जी, एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी था मेरा कि शुरुआत में अधिकांश अस्पतालों में कोरोना पेशेंट में रेमडेसिविर इंजेक्शन का जमकर उपयोग हुआ,
बीच में मार्केट में उसकी शॉर्टेज आई तो गवर्नमेंट ने उसको ट्रीटमेंट से बाहर कर दिया, उपचार से, कि इसकी कोई जरूरत नहीं और रेमडेसिविर को उसके लायक भी नहीं माना। वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वास्तव में रेमडेसिविर यूज हो रहा है? देखिए मेरे को, मेरा तो आज भी मानना है कि रेमडेसिविर से जितना बेनिफिट मिल रहा है वो डॉक्यूमेंटेड है, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, वो रामदेव बाबा हो या कोई सरकार हो या कोई भी हो, ICMR हो। मैं इसके लिए कभी भी कोई सा भी चैलेंज फेस करने को तैयार जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एक चीज और है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था CH हॉस्पिटल का, जिसमें जो 2DG नई टेबलेट जो आई, जो से आया है 2DG, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवाई है, इंदौर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो है ये हैदराबाद में, जो कि रेड्डी साहब की खुद की जगह है, रेड्डी साहब वहीं पे अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो उन्होंने वो वायरल वहाँ का हैदराबाद का वो है और वहाँ का वो वीडियो चल रहा है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी इंदौर शहर में। इसको जी, इसको अपन जांच करवाते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि 2DG जैसे डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने बनाया है, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है और इसका पता जा रहा है काफी प्रभाव? मुझे उन्होंने अश्योर किया है अगले मंडे को मेरे पास, इस सैटरडे से लेके मंडे के बीच में मेरे पास आ जाएंगे ये पाउडर जो भी है मेडिसिन, और मैं यूज करके आपको अगले वीक में बता दूंगा कि सही में कारगर है कि नहीं। जब तक मैं यूज नहीं कर लूं मैं नहीं बता सकता। हेमंत जी, बाबा रामदेव का भी उल्लेख आपने अभी किया, उन्होंने एक बयान डॉक्टर्स को लेकर किया है, तो क्या इंदौर के लोग इसके विरोध को लेकर कुछ कर रहे हैं प्लानिंग, या किस तरह का आप लोगों का इस पर रिएक्शन? मेरे को इंदौर के लोगों का तो नहीं मालूम, पर मैं कोशिश करूंगा कि उनके अगेंस्ट में यहाँ इंदौर में FIR, बिकॉज ये जितनी भी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं ये एक जैसे आपका वो होता है ना, एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है और उसमें आप क्लेम करते हैं कि मैं इसको खाने के रूप में यूज करूंगा, ये प्रोटीन सोयाबीन का बहुत अच्छा है, ये इस तरह की दवाई है और इस तरह इसको मेडिकल यूज को मार्केट करना, इसके अगेंस्ट में बहुत सारी धाराओं में केस रजिस्टर हो सकता है। मैं हो सकता है कि कल परसों में इसको FIR यहाँ पे लिखवाऊं उनके अगेंस्ट में। हम एक बार सर, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यह भी देखा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है वो काफी इफेक्ट हो रही है, बच्चों में देखा जा रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज में इसका इफेक्ट काफी गंभीर रूप से सामने आ रहा है, तो एक नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से सेफ रहे, लेकिन किस तरह का आज लोगों की प्लानिंग है, बच्चों में किस तरह का फर्क इसमें पड़ रहा है, उसको लेके किस तरह का कर रहा है? इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च की फैसिलिटीज हर मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज करना पड़ेगी, सो देट हम अर्ली पिकअप करें चीज़ों को, हमारे यहाँ रिसर्च बहुत डिले होती है और ना के बराबर। बिल्कुल, अभी बस आपके आपके इस फोन के पहले आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं किस मीटिंग में बैठा था, तो मेरे जितने सुपर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं उन सब की मैंने मीटिंग ली है और यही बात हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और इक्विपमेंट इस तरह के खरीदे जाएं जिससे मैक्सिमम रिसर्च करके हम अर्ली किसी भी चीज़ को पिकअप करें और किस तरह हम मरीजों को इम्यूनोलॉजिकली हेल्प कर सकें, प्रेग्नेंट लेडी को जेनेटिकली हेल्प कर सकें, बच्चों को किस तरह अर्ली डायग्नोसिस में घर घर जाके इलाज को किस तरह अपन दे सकें, क्योंकि हमारे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अब चूंकि कोरोना कम हो गया है तो मैं ऐसा कुछ प्लान बनाने की सोच रहा हूँ कि कम से कम इंदौर के आसपास के गांव और इंदौर शहर, जो कि स्पेशली जो तबका अस्पताल का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, अस्पताल आ ही नहीं सकता है, उनको चिन्हित करके और कोशिश की जाए कि हम उनका कोई सी भी बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस करके और अपना ट्रीटमेंट दे दें और उसमें उनको कोई फाइनेंशियल तकलीफ ना आए, इसके लिए कोशिश की, अभी मीटिंग की, हर मेरे यहाँ का हर डॉक्टर तैयार हुआ है और आई थिंक 2-3 दिन में मैं इसकी तैयारी में जुट जाऊँगा पूरी तरह से। सर, पोस्ट कोविड को लेकर भी काफ़ी सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार को या प्रशासन को कोई एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए इसे लेकर, या रिसर्च, जैसा कि आपने कहा कि रिसर्च की कमी है, वो वाकई में हमें यहाँ देखने को मिलता है, कमी मिलती है, क्या अभियान कोई चलाया जाना चाहिए? मेरा सजेशन तो ये है कि पूरे
अपना शहर जो इंदौर है इसमें सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे मददगार लोग हैं। एक ग्रुप ने मिलके पोस्ट कोविड एक अस्पताल की तैयारी करना चाहिए जिसमें लंग ट्रांसप्लांट तक हो सके, बिकॉज अभी भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनको फाइब्रोसिस हो गया होगा लंग में, जिनकी इस वाली बीमारी में ठीक तो हो गए होंगे पर उनका लंग 80% तक इन्वॉल्व था, उसमें फाइब्रोसिस हुई होगी, उसको ठीक करने के लिए उनको रेगुलरली अस्पताल आना पड़ेगा, कितनी बार अस्पताल में फिर से भर्ती होना पड़ेगा। तो अब पोस्ट कोविड हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन की जिस अस्पताल में अल्टीमेट सुविधा हो, मतलब आईसीयू इतनी स्ट्रांग हो, किडनी अपने लंग ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो, फिजियोथेरेपी का इतना परफेक्ट डिपार्टमेंट हो कि उनकी फिजियोथेरेपी से उस फाइब्रोसिस को ठीक कर दिया जाए। कुछ बच्चों में ऐसा होगा कि रिमेनिंग सिम्टम्स रह जाएंगे, कुछ को ब्लड का टूटने के कारण ब्लड की कमी हो गई होगी, कुछ थैलेसीमिया का बच्चा होगा, कोई किडनी डिसीज का पेशेंट होगा, इन सब के लिए पोस्ट कोविड अच्छा बढ़िया रिहैबिलिटेशन सेंटर हॉस्पिटल बनाने की अभी इस समय बहुत सख्त जरूरत है और उस पर हम सब इंदौर वासियों को मिलकर काम करना चाहिए। जमीन में देने को तैयार हूँ, बिल्डिंग में बनाने को तैयार हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये बोल रहा था कि जैसे कि आपने ही बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव दूसरे दौर का अभी कम हुआ है काफी, ये 25-30% तक पहुंच चुका था और अभी मेरे ख्याल में 5-6% के आसपास में ही आ गया। जी, एक तो इसके बारे में पूछना चाहूंगा कहाँ तक पहुंचा और दूसरा इसका स्थायी समाधान आप किस रूप में देखते हैं? मैं स्थायी समाधान के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता सकता, बट आज का डेटा जो मैंने देखा है, कल 30 डिस्चार्ज हुए और एडमिशन हुई है 16, तो मतलब जी अब ये डाउन ट्रेंड पे आ गया है, जो अपन ने दिसंबर में देखा था उस ट्रेंड पे आ गया है। आपके ऑक्यूपेंसी कैसी है अभी, कितने परसेंट खाली और वो उस टाइप की स्थिति जैसे पहले पूरा भरा हुआ चल रहा? 50% खाली, 50% खाली है, 50% खाली। चलिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज दर्शकों को उपलब्ध करवाई है और मैं समझता हूँ कि जो आपने खास तौर पर दूसरे दौर बच्चों को आने वाले तीसरे दौर के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनको बचाव के लिए जो प्रिवेंशन के लिए जो आपने टिप्स दी हैं वे बहुत उपयोगी और कारगर साबित होने वाली हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर और मधुवासी के साथ आप जुड़े और लोगों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।